सो वेलकम टू द अनदर वीडियो, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कल की 2898 एडी का जो इंट्रोडक्शन वीडियो आया था, यानी कि जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वीडियो आया था, जिसमें हमारे अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वत्थामा के बारे में बताया गया था। तो आखिर ये बंदा है कौन, इसकी बैक स्टोरी क्या है, इसके साथ क्या होने वाला है और इसके साथ अभी क्या हो रहा है, इन सभी पे बात करेंगे। जहाँ पे इन सबके अलावा मेरे मन में तीन और ऐसे सवाल है जिनके जवाब मैं ईगरली चाहता हूँ कि ये मूवी मुझे दे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर अश्वत्थामा कौन है। तो देखो, बेसिकली अश्वत्थामा कृपी और द्रोणा का पुत्र है। अब द्रोणा कौन है? तो बेसिकली द्रोणा को द्रोणाचार्य करके संबोधित किया जाता था और ये महाभारत के टाइम के हैं, जहां पे इन्होंने पांडवों और कौरवों को दोनों को ही ट्रेन किया था, यानी कि उनके गुरु थे, उनके टीचर थे। और अश्वत्थामा की माँ यानी कि कृपी, जो एक्चुअली कृपाचार्य की बहन रहती है, और कृपाचार्य अपने आप में ही एक अलग इमॉर्टल है और वो सप्त चिरंजीवियों में से एक आते हैं। जहां पे सप्त चिरंजीवियों की बात करें तो भाई उनमें ये सात लोग आते हैं, जिसमें हमारे हनुमान जी, वेद व्यास, परशुराम, अश्वत्थामा, ये सारे लोग आते हैं जो कि इस मूवी में आ सकते हैं, यानी कि कल की 2898 एडी में इनका एक स्पेसिफिक कैमियो हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट अश्वत्थामा, तो बेसिकली अश्वत्थामा कोई आम बच्चा नहीं रहता है, वो एक्चुअली भगवान महादेव के ब्लेसिंग्स यानी कि उनके आशीर्वाद स्वरूप द्रोणा और कृपी को हुआ था, जहां पे उसके सर पे बचपन से ही एक मणि थी, एक जेम था, जिस कारण से उसे भूख, प्यास, थकान, बुढ़ापा, बीमारी और अनगिनत हथियारों से बच सकता है। नियरली ही इज इनविंसिबल, और कह सकते कि वो नियरली इमोर्टल ही था एक तरह से, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि उसे श्राप मिलने से पहले ही वो एक हद तक इमोर्टल था। अब बात करते हैं श्राप के ऊपर, तो उसे श्राप क्यों, कैसे और किस लिए मिला। तो बेसिकली देखो, अश्वत्थामा को काफ़ी अपने आप पे अहंकार था, अपनी शक्तियों पे अहंकार था कि उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। इवन महाभारत के युद्ध में भी उसने कईयों को धूल चटा दी, कई सारे महारथियों को धूल चटा दी, जहाँ पे फिर ये महाभारत के टाइम पे दुर्योधन के साइड से लड़े थे, यानी कि कौरवों के साइड से लड़े थे, और ऑब्वियसली भाई बंदा इतना घमंडी है तो वो उसी साइड में ही रहेगा। जहाँ पे फिर महाभारत के युद्ध के टाइम पे इनके जो पिता है यानी कि द्रोणाचार्य, वो पांडवों की सेना पे बहुत ज्यादा हावी हो रहे थे और उनको हराने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो खुद अपने शस्त्र यानी कि उनके जो हथियार है वो छोड़ दे, त्याग दे, तो उन्हें मारा जा सकता है। अदरवाइज उन्हें मारा तक नहीं जा सकता, वो अपनी मर्जी से एक तरह से मर सकते हैं। ये भी भीष्म की टाइप ही थे, उतने ही ज्यादा पावरफुल थे, उतने ही ज्यादा केपेबल थे। तो फिर श्री कृष्ण ने एक प्लानिंग बनाई, एक योजना बनाई उनको हराने की, जहां पे युधिष्ठिर से ये कहलवाया कि उनका बेटा यानी कि अश्वत्थामा मारा गया है और अपने बेटे के अटैचमेंट में वो सारे शस्त्रों को त्याग दें, अब जहां पे फिर उन्हें कोई मार दे। तो बेसिकली होता ये कि युधिष्ठिर झूठ नहीं कह सकते थे, वो धर्मराज थे, तो उन्होंने बेसिकली एक हाथी को मरवा दिया जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया, और फिर उसके बाद जोर जोर से कुरुक्षेत्र में चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, जिसका फिर जब युधिष्ठिर ने उन्हें कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, पर एक हाथी, जो उन्होंने डिम वॉइस में कहा, एकदम लो टोन में कहा, जिससे वो चीज उन्हें सुनाई ना दे, और इस दुख में आके कि भाई मेरा बेटा मारा जा चुका है, तो द्रोणाचार्य ने अपने सारे शस्त्र त्याग दिए और फिर उनको मारने के लिए जो व्यक्ति पैदा हुआ था यानी कि दृष्टद्युम्न, जो कि एक्चुअली द्रौपदी के भाई रहते हैं, उन्होंने इनको फिर अनालाइव कर दिया। फिर उसके बाद जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली कि भाई ऐसे ऐसे प्लानिंग करके पांडवों ने मेरे पिताजी को मार दिया, फिर उन्होंने एक रात पांडवों के कैंप में जाके यानी कि उनके शिविर में जाके सारे पांडवों को मारने की प्लानिंग की, इंक्लूडिंग दृष्टद्युम्न। जहां पे सभी पांडवों को मारने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये एक्चुअली पांडव नहीं रहते, ये उप पांडव रहते, यानी कि उनके बच्चे रहते हैं जिन्हें उसने मार दिया है। और ये सब होने के बाद जब अश्वत्थामा और पांडवों का आमना सामना होता है, तो ये लोग एक दूसरे के आगे ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, जिसके कारण वर्ष पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती है अगर दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ टकरा जाते हैं, जिस वजह से श्री कृष्ण फिर आदेश देते हैं अर्जुन को कि भाई तुम अपना ब्रह्मास्त्र नीचे कर दो, इसका परिणाम बहुत ही भयावह हो सकता है। लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं कर पाते क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान नहीं रहता, जिसके बाद वो इससे भी बुरा काम करते हैं, वो भेज देते हैं ये ब्रह्मास्त्र की दिशा यानी कि इसका जो डायरेक्शन रहता है वो मोड़ देते हैं उत्तरा के गर्व में, यानी कि जो पांडवों की यानी कि अर्जुन की जो डॉटर इन लॉ रहती है यानी कि अभिमन्यु की वाइफ। और फिर उसके बाद श्री कृष्ण उसे बचा लेते हैं, यानी कि उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज रहते हैं उन्हें बचा लेते हैं, और ये सबसे घिनौना काम जो अश्वत्थामा ने किया था, जिस वजह से श्री कृष्ण फिर उनके सर पे जो मणि रहती है जिसका उन्हें सबसे ज्यादा ही अहंकार था कि भाई मैं मर नहीं सकता, मुझे कुछ हो नहीं सकता, वो मणि ही उखाड़ लेते हैं और उसे ये श्राप देते हैं वो आने वाले समय के अंत तक दर्द में, पस में,
पीड़ा में झेलेगा, पूरे पृथ्वी पे घूमेगा फिरेगा और उसे मृत्यु नहीं मिलेगी। जहां पे फिर ये सारी चीजें होने के बाद अश्वत्थामा करेंटली अर्थ में यहाँ वहां घूम रहे हैं अपने दर्द के साथ, अपनी पीड़ा के साथ, जहां पे बेसिकली इनकी दर्द और पीड़ा का इलाज सिर्फ श्री कृष्ण ही है। वो जब वापस से आएंगे अपने अगले अवतार में, यानी कि अपने 10वें अवतार में, जो कि हम लोग ने टीजर यानी कि ये जो ग्लिम्स है उसमें सुना भी था कि अश्वत्थामा बेसिकली उनका जो पर्पस है यानी कि वो जो इंतजार में थे उस 10 अवतार के, तो वो एक्चुअली कल्कि अवतार ही होने वाला है जिसका किरदार निभाएंगे मूवी के अंदर प्रभास। जहां पे माना तो ये भी जाता है कि सप्त चिरंजीवी यानी कि जो 7 चिरंजीवी होने वाले हैं वो सभी कल्कि के साथ कली पुरुष को, जो की मूवी के अंदर किरदार निभाएंगे हमारे कमल हसन, उनको हराने के लिए सप्त चिरंजीवियों का साथ चाहिए, जिसमें हमारे अश्वत्थामा भी आएंगे। और इस युद्ध का यानी कि ये जो वॉर होगी बिटवीन कली एंड कल्कि वो काफी बड़ी होगी, काफी खतरनाक होगी, इवन लार्जर देन 10x लार्जर देन महाभारत का जो युद्ध हुआ था उससे, जिसमें अश्वत्थामा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार निभाएंगे। और देखो अब ये सारी चीजें हो गई, अब मूवी के परसेप्शन से अगर देखा जाए तो कल्कि 2898 एडी में बेसिकली क्या हो सकता है इस कैरेक्टर को लेके और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो जैसे जैसे मैंने चीजें बताई कि उनका युद्ध होगा कली से, फिर उसके बाद सारी चीजें टेक प्लेस करेंगे, जहां पे जब इसका ट्रेलर आया था यानी कि इसका जब ग्लिम्स आया था जो कि पहला वाला आया था, तो उस दौरान ये बातें काफी उठी थी कि भाई ये मतलब ये जो मेन कैरेक्टर है यानी कि अश्वत्थामा वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है, वो शायद से मूवी के अंदर मर सकते हैं। जहां पे मुझे ये चीज थोड़ी सी फैसिनेटिंग लगी कि ये लोग कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इवेंचुअली अगर ये कैरेक्टर मर जाता है तो किस तरह से प्रोसेस करेगी, किस तरह से प्रोग्रेस करेगी, विच इज अ वन क्वेश्चन मार्क दैट आई हैव इन माय माइंड। सो देखो मेरे दिमाग में ना 2-3 ऐसे बेसिक से सवाल है जो कि ऑब्वियसली सबके दिमाग में आए होंगे अगर वो लोग ने इस ग्लिम्स को या कह लो इस इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखा होगा। सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई इनको इनका स्टोन वापस से कैसे मिला, और अगर मिल चुका है तो ये जो पर्टिकुलर सीन है वो काफी टाइम बाद टेक प्लेस करता है, जब कल्कि का इनसे मुलाकात हो जाती है, वो इसको इनका स्टोन वापस कर देते हैं ताकि इनको इनकी पावर्स वापस मिल जाए। जहां पे दूसरा सवाल ये आता है कि अगर ये मूवी के एंड में अनलाइव हो गए, इन्हें कली मार देता है या जो कुछ भी सिनेरियो होता है, तो मूवी और किस तरह से आगे प्रोग्रेस करेगी, क्या कल्कि बने यानी कि प्रभास जो कल्कि बने हैं वो आगे के सप्त चिरंजीवियों को ढूंढेंगे या दूसरे जो सप्त चिरंजीवी है वो इन्हें ढूंढेंगे, क्या सिनेरियो होगा, कैसी सारी चीजें होंगी, ये सब देखने में ना एक्चुअली काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसमें देखो मुझे जो चीजें समझ में आई मैंने तुम्हें क्लियर कट बता दी, जो चीजें तुम्हें समझ में आई है इस इंट्रोडक्शन को देखे या इनके कैरेक्टर यानी कि अश्वत्थामा के बारे में तुम्हें कुछ और डिटेल्स पता है तो प्लीज मुझे बताइए। तब तक के लिए मैं हूं राहुल, तुम देख रहे हो आरपीवर्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।